गाइस जब मैंने देखा एकदम मैंने कि ये कैसे बनावट है, एकदम अलग ही बनावट है पर बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मैं अपने एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज दुकान में फिर नहीं जा पाया हूँ, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हुई थी। मैं जैसा आपको बता दूँ कि तिरपाल के नीचे जो गर्मी लगती है ना, सिर गर्म हो जाता है तो सिर में दर्द सा होता है हल्का हल्का। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो आराम से मैंने सब कुछ कर लिया और रेडी भी हो गया, एकदम से सिर में दर्द सा हुआ। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लूँ ठीक होएगा, पर ठीक नहीं हुआ एकदम। मेरे बॉडी में भी दर्द हो गया, क्योंकि गाइस पूरे दिन बैठना पड़ता है ना, और जो भी पूरे दिन बैठेगा गाइस उसके बॉडी में दर्द होएगा ही होगा, ये तो है ही। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही बॉडी में दर्द हो रहा था, और साथ में फिर तबीयत का भी ध्यान रखना है गाइस। अब ब्लॉग भी बनाता हूँ तो तबीयत का पहले ध्यान रखना है, मुझे दुकान भी करनी है, तो फिर इस वजह से आज मैं जा नहीं पाया। और सही में गाइस दुकान चली नहीं थी, और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, हम एक नई जगह देख रहे हैं और एक नया बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं कि हम नई चीज़ क्या लगाएं। गुटखा चाहे तो हम छोड़ ही देंगे, कुछ नया ही करने की सोच रहे हैं, पर वो ये गाइस देखो टाइम लगेगा क्योंकि पैसे अभी इतने हैं नहीं। उसके लिए जिस जगह हम लगा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और जो चीज़ हम लगाएंगे उसके लिए भी पैसे लगेंगे। थोड़ा देखते हैं, सोच समझ के विचार करके जो भी रहेगा वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो काफ़ी सारा आपने आइडिया दिया कि जगह चेंज करो, कुछ नया देखो, तो वही सब मैंने पढ़ के बहुत दिनों से मैं सोचता हो रहा हूँ, घर में भी सोचते हुए आ रहे हैं। तो कुछ नया ही करना है, पर जब तक नहीं हो रहा, जब तक ये दुकान देखनी है। लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से आज मैं नहीं जा पाया। ऐसी पता पिछले पहले गया था कल, ऐसे परसों की छुट्टी करी, कल गया आज छुट्टी हो गया, ऐसे एक दिन गैप एक दिन छुट्टी, ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ जल्दी कुछ नया ही शुरू करेंगे गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चल रही, एकदम मतलब ना के बराबर ही चल रही है। सही में कुछ निकल भी नहीं पा रहा, पूरे पूरे दिन बैठ रहे। तो आपको तो बताता ही रहता हूँ मैं बार बार एक ही चीज़, पर ऐसा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नन्नू भी मेरे साथ बैठी है और ये सुबह ही कह रही है मुझसे कि मेरे साथ गोलगप्पा चैलेंज करो। क्या पर गाइस ये खा तो पाएगी नहीं, तू खा लेगी? खा गोलगप्पा आ जाता है तेरे मुंह में है? कैसे करेगी चैलेंज? मेरे से तेज खा लेगी तू? नहीं खा पाएगी। तीन चार रहन दे नन्नू, हार जाएगी, हो जाएगा देख लेना। मेरा नहीं मन कर रहा, जा अकेले कर लूंगी। अकेले किस अकेले से ही चैलेंज करेगी? कैसे गाइज ये सुबह से ही पीछे लग रही है कि गोलगप्पा चैलेंज करो, इनने कोई ना कोई सी वीडियो देख ली होगी फोन में, जब ही ये पीछे लग रही है मेरे। लेकिन अभी गोलगप्पे तो मिलेंगे नहीं। हाँ अभी गोलगप्पे कहाँ से लाए बता? शाम को चलो गाइज, मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नहीं करना चैलेंज, देख दुकान है। अरे घर में बनाने पड़ेंगे, मम्मी चिल्लाएगी बहुत, बनते तो है नहीं, एक बार पहले भी बनाए थे और उल्टा सीधा हो जाता है, बनते नहीं है, रहने दे मम्मी चिल्लाएगी बहुत। नहीं तू बनाया, मम्मी डांटेगी नन्नू, रहने दे। नहीं तू बनाया, नहीं मैं नहीं, शाम को मैं कह रहा हूँ लेकर आ जाऊंगा करेंगे चैलेंज। नहीं तू ना तू बोल, चल मिर्ची खाने का चैलेंज करते हैं, कौन मिर्ची खाएगा? ठीक है जल कर, मैं नहीं भाई शाम को बोल रहा हूँ बन नहीं पाता। तो आज कर 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 अभी के अभी कर। आ जा दीदी से पूछता। दीदी गोलगप्पे बनाने आते हैं हाँ? देख देख नन्नू नहीं बनते ना, ये सुन नहीं रही है नन्नू, देख दीदी मना कर रही है, नहीं बनते बोल रही है हाँ? तो क्या खेलूंगा चैलेंज, तो अकेली कर ले चैलेंज, हम नहीं कर रहे। कैसे करेगी कैसे करेगी ये बता मुझे। एक बार में एक गोलगप्पा, तीन बार में तीन गोलगप्पा, एक गोलगप्पा तीन। गाइस ये कौन सा चैलेंज है, ये तो कुछ अलग ही चैलेंज है। सरदर्द ये ना दुकान से भी ज्यादा सरदर्द वाला चैलेंज है मुझे लग रहा है। मैं नहीं कर रहा। गाइस अभी दीदी खाना बना रही है, क्या बना रहे हो दीदी? हाँ आलू की। और चावल। और ये नेल्स गाइस देखो, ये नन्नू दिखा, ये देखो गाइस चुड़ैल बनी पड़ी है ये, और ये भी खराब कहाँ गए, स्टोन भी निकल गया। ये कैसे चल सा गया, स्टोन निकल गया, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है क्योंकि ये सूखा नहीं है ना।
ये बाहर भी जाने का टाइम लगाना चाहिए। वैसे नन्नू तो अब पढ़ाई करने बैठ गया और देखो कितनी अच्छी राइटिंग हो गई है। नन्नू तुझे क्या कबूतर से आने खाली तक पूरा आता है बिना देखे यहाँ कर लिख तो लिख। बढ़िया भाई ये भी ये कितने लिखा था है लिख के दिखाओ और आप पूरा करिए काम। अब तो गाइस नन्नू पढ़ती है। नन्नू तो स्कूल क्यों नहीं जा रही? नन्नू 2 या 3 ही दिन स्कूल गई उसके बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ गई जो 1 महीने के ऊपर की पड़ती है 40 दिन 1 महीने की तो छुट्टी पड़ गई। बस 2-3 दिन स्कूल जा पाई है ना। 2-3 दिन स्कूल जा पाई ना तो। और गाइस मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मेरी जो डेली वीडियो में डालता हूँ ना मैं 9 बजे डालता हूँ मेरा डेली का टाइम है। आप में से काफी जनों को तो पता ही हो लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता तो सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ डेली 9 बजे सुबह के 9 बजे मैं दोनों शॉर्ट लॉन्ग दोनों डाल देता हूँ। तो जैसे आप पे नोटिफिकेशन आए आप लोग देख लिया करो और सब पे आती है ना नोटिफिकेशन वैसे तो मैं वीडियो डालता हूँ तो गाइस बहुत कम लॉन्ग पे व्यूज आते हैं शुरू में 1-2 घंटे में ऐसे कुछ आ पाते हैं 500-600 तो मुझे लग रहा था कि नोटिफिकेशन सब पे नहीं जाती पर जाती है नोटिफिकेशन। बस आप लोग देखते रहिया करो गाइस सुबह 9 बजे डेली डाल देता हूँ। हाँ बैठ के पढ़ाई कर चल पूरी पढ़ाई कर चल चल पूरी कर होने वाली थोड़ा ही तो रह गया है। यहाँ भी लिख दिया यहाँ लिखा पूरा फिर से यहाँ लिख अच्छे अच्छे से ही फिर तुझे चॉकलेट फिर शाम को जब अगर तू पूरा अच्छे से काम करेगी जब ही शाम को गोलगप्पा चैलेंज होगा वरना नहीं ठीक है। और जो जीतेगा उसे गिफ्ट भी मिल सकता है गोलगप्पे खाने का। चल चल कर ले काम। गाइज ये फिर रोन लगी क्योंकि इसे ये एक ही कैसे अनार से अड़े खाली तक यहाँ भी एक बार लिखना है यहाँ भी एक बार यहाँ भी एक बार और यहाँ भी तो ये रोन लगी एक ही काम इतने बार नहीं करूँगी। तो एक ही तो सब्जेक्ट में दिया तुझे ना इंग्लिश में दिया है ना मैथ में मत कर कहाँ है ये 3-1 कॉपी है नहीं ये 3-1 ये सारी हिंदी तो है ये नाखून भी निकल गए नाखून ला नाखून रख दे अब चल मुझे ऐसे करेगी ना रोएगी इसलिए देती तुझे ज्यादा काम। हाँ मुझे करने को मन नहीं होता ज्यादा काम थोड़ा ही रह गया अब यहाँ लिखना और पीछे लिखना है बस। चल मैं करवाता हूँ कर फिर बड़ा तूने अच्छे से बना है ऐसे ये भी छोटा बना ठीक है जो अंदर आए ये दोनों लाइन के इस वाली के और इस वाली के ठीक है। चल बना के दिखा के अच्छा सा देखते कैसा बनाती है। हाँ चल बढ़िया आई क्या छोटी से फिर बड़ा ये डंडा छोटा खींच ये वाला जो ऊपर तू खींच रही है ये छोटा खींच छोटा बस 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 खाली। फाइनली गाइस नन्नू का सारा काम कंप्लीट करवा दिया मैंने तो यहाँ का भी और यहाँ का भी। और देखो गाइस यहाँ पर राइटिंग देखना इसकी गलत है कितनी गंदी है और यहाँ पे देखो कितने साफ किया है। अब नन्नू ऐसे ही करा कर ठीक है फिर छोटा काम हाँ फिर दीदी तुझे कम दिया करेगी कि यार इसकी राइटिंग तो बड़ी अच्छी हो गई ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से नन्नू ने काम किया ऐसी करा कर अब ठीक है रोना धाना नहीं। अभी तू रोई बता क्या मिला कराना तूने अच्छे से काम तो आगे से रोएगी नहीं ना ना कल भी रोया ठीक है ऐसे ही अच्छा करा कर ले रख ले बैग में रख। ये तो लग रही है भूख में खाना खाऊं कहाँ हाँ छोड़ो तेरे दोस्त नहीं है यहाँ गए बोले दोस्त खाना ले लिया मैंने और जैसे कि आपको पता ही है आज आलू टमाटर की सब्जी और चावल बने हैं तो खा लेता हूँ मैं खाना। मम्मी भी आ गई खाना खा रही है दीदी के साथ। नन्नू को जाना है शाम को ट्यूशन खाना खाने चल इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सो ही जाऊँगा थोड़ी देर में मोबाइल गिर जाएगा। दीदी मेरे पुराना व्लॉग देख रही है बहुत जो मम्मी का बर्थडे था वो वाला
दीदी क्यों देख रही है इतना पुराना व्लॉग? दीदी को जब भी टाइम मिलता है पुराने पुराने व्लॉग ही देखती है। अब ना नन्नू भी बोल रही मुझे भी निकाल के दे। मैंने पहले फिर मैंने एक दिन देखा था पूरा जब मौसी भी थी। अब तो है ही मौसी है अपने साथ ही स्टार है मौसी स्टार। गाइज ये जो व्लॉग देख रही है ना मम्मी के बर्थडे वाला, इसमें नन्नू नहीं थी जब यहाँ जब ये गांव रहती थी। नई है तू देख ले, पर इस व्लॉग में नहीं है जो ये पुराना है। नई है इस व्लॉग में देख ले, देख के बताना ठीक है। भाई मुझे एक काम मिला है कूलर में पानी भरने का, वो भर देता हूँ मैं। जाली लगा दी और अब पानी पूरा आ रहा है। पूरी जाली जैसे भीग जाएगी ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी, सही में एसी भी फेल हो जाएगा इसके आगे, तो इसलिए इसमें पानी भरना जरूरी है। अब फुल पानी हो गया है, अब पापा आराम से तुम सो सकते हो। गाइस अभी सो के उठे, सभी जन गहरी नींद में सो गए थे और नन्नू को उठते ही बहुत तेज उल्टी हो गई। अरे गोलगप्पा चैलेंज नहीं कर रही? हाँ पानी पी। ए गाइस इसे बहुत तेज उल्टी हो गई, अभी दवा लेकर आई है ये। और ये सुबह तो चिल्ला जा रही थी गोलगप्पा चल जब कर लेंगी। अरे इसे पी ना पी। हाँ पी लिया कब का? तो क्या करना है गोलगप्पा चल अपने को जो तब से बोल रहा था कल ले तो जब गोलगप्पा मिल रहा था जब अभी मिलेगा तो जा लिया। तू तो कह रही थी नहीं करना जा लिया। अब तो जो उल्टी हो गई उल्टी बहुत कर रही है फिर जब बोला अभी इसको कुछ दिन आ रहा था। अब उल्टी कैसे हुई तुझे तो बता। पहले धड़ 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 पड़ती भाई धड़ा धड़ उल्टी कर दी। अरे दवाई है ये। ये दवाई कहाँ से दिख रही है? दिख रही नहीं होगी, मम्मा ने मिला के दी है दवाई को पानी पानी। ओआरएस का पानी है? ओआरएस का? अच्छा कैसा लगता है ये पानी? पानी नहीं है सच्चे में, ये सब दवाई है। पता है मुझे ये क्या है जो मैं पी रहा हूँ? ओलेक्स। ओलेक्स ओआरएस चाची ओलेक्स पर ओआरएस को ओलेक्स तो गाइस आज मम्मी को ये मशीन मिली अपने काम पर से, जहाँ काम पे जो मम्मी जाती है वहाँ किसी मैडम ने दिया मम्मी को। और ये काय की मशीन है, सैंडविच बनाने की, दोनों तरफ सैंडविच बन सकते हो। और चालू मशीन है बिल्कुल बढ़िया, तो इसमें किसी दिन सैंडविच बनाएंगे। और इसका मुंह देखो गाइस, ये देखो हंसी भयानक और दो आंखें भयानक और ऊपर टीका एकदम भयानक। गाइस जब मैंने देखा एकदम मैंने कि ये कैसे बनावट है, एकदम अलग ही बनावट है। पर बढ़िया मशीन है, चालू है और अभी फिलहाल थोड़ी गंदी हो रही है तो हो जाएगी साफ। और इसके अंदर बनाएंगे कभी सैंडविच। लेकिन इसका लुक भयानक लगा मुझे, देख सकते हो डरावना फेस है। मम्मी कब बनाओगे इसमें? तो कब बना के खिला रहे हो सैंडविच? मेरी छुट्टी रहेगी ना सोमवार को, मंडे को चालू है ना? लेकिन इसका मुंह इतना डरावना क्यों? अरे इधर वो था लाइट, ये देख यहाँ पे। हाँ लाइट तो वो है। निकल गया तो इसके लिए जब भी तो ऐसा लग नहीं रहा जैसे डरावना फेस हो। सुन पहले ना एक बार इसको टेप चिपका देना ऐसे करके, बोला है नहीं तो ना करंट वरंट आ जाता मुझे। हाँ चिपका देंगे, पर इसे पहले साफ कर लेना गंदी हो रही है बहुत। गाइस अभी मैं नहा लिया हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और नहाकर अच्छी नींद भी आती है। और मेरी तो सुबह जल्दी नींद भी खुल जाती है नहा के सोता हूँ तो, क्योंकि अच्छे से नींद हो जाती है।
तो सुबह नींद खुल जाती है और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो नहाना तो बहुत ही जरूरी है। बैठ गए खाना खाने और आज खाने में बनी है गवार की फली और साथ में सेब की फली जो हमने पेड़ पे से तोड़ी थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो खा लेता हूँ खाना। अब वक्त हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का। आज का ब्लॉग सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं आज के ब्लॉग में। आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद है तो ब्लॉग को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।